Hello everyone, this is Suraj Gurchar and we'll discuss vortex motion. This is also a simple concept in fact. और इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. सो फॉर दिस बेसिकली जैसे हमने स्ट्रीम लाइन देखी थी, उसके इक्वेशंस देखे थे. और स्ट्रीम लाइन टाइप एक कॉन्सेप्ट होता है, वोर्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, वोर्टिसिटी, ओके. और वोर्टेक्स वेक्टर, इनफैक्ट वोर्टिसिटी और वोर्टेक्स वेक्टर या वोर्टिसिटी वेक्टर, ठीक है. तो ये क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये. बेसिकली इफ क्यू वेक्टर इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फ्लूइड फ्लो, देन वोर्टिसिटी और सिंपली वोर्टिसिटी और वोर्टिसिटी वेक्टर इज गिवन बाय डेल क्रॉस क्यू और कर्ल ऑफ क्यू. बेसिकली दिस इज कर्ल ऑफ क्यू, ओके. सो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वोर्टिसिटी, तो जैसे कि बेसिकली जैसे डी आर जब क्यू वेक्टर के पैरेलल होती थी, तो दैट वाज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन. तो इस केस में क्या होगा, व्हेन डी आर इज पैरेलल टू, इसको जनरली वी डिनोट बाय दिस सिंबल, ओके. सो व्हेन दिस इज पैरेलल टू वोर्टिसिटी वेक्टर, देन दिस विल गिव द वोर्टेक्स लाइंस और वोर्टिसिटी लाइंस, ठीक है. वोर्टिसिटी लाइंस भी बोल देते हैं, वोर्टेक्स लाइन भी बोल देते हैं, ठीक है. सो बेसिकली इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि डी एक्स बाई डी आर क्या होता है, डी आर इज डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के. दिस इज पैरेलल टू व्हाट, दिस इज पैरेलल टू ये जो वर्टेक्स वेक्टर है इसका, लेटर से एक्स कंपोनेंट जो है ये है मान लो, प्लस वाई कंपोनेंट जे प्लस जेड कंपोनेंट के. और दिस कैन बी रिटन एज डी एक्स डिवाइड बाई एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वोर्टिसिटी वेक्टर डिवाइड बाई वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वोर्टिसिटी वेक्टर एंड डी जेड डिवाइड बाई जेड कॉम्पोनेंट ऑफ वोर्टिसिटी वेक्टर. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वोर्टेक्स लाइन, वोर्टेक्स लाइन्स लाइक स्ट्रीम लाइन्स, वी है वोर्टेक्स लाइन्स, ठीक है. सो बेसिकली देखा जाए तो कोई भी मान लो फ्लूड फ्लो है, अगर उसमें फ्लूड फ्लो में एक लाइन ड्रॉ की जाए, एंड इफ वी ड्रॉ ए लाइन, if we draw a tangent on that curve and that comes out to be parallel to a vortex vector, then we say that these lines or these curves are vortex lines, ठीक है. So basically vortex lines are those curves on which if tangent is drawn, then its direction coincides with the direction of vorticity vector. वोर्टिसिटी वेक्टर मीन्स कर्ल ऑफ क्यू वेक्टर, ओके. सो आई होप समझ में आता है. सो बेसिकली कोई भी फ्लो है उसमें वोर्टेक्स है, उसका मतलब ये हो गया इफ डेल क्रॉस क्यू इज नॉट जीरो, देन फ्लूड इज, ऑफकोर्स इट इज रोटेशनल, बिकॉज फॉर इ रोटेशनल फ्लो डेल क्रॉस क्यू हैज टू बी जीरो, और वी कैन से दैट द फ्लूड हैज वोर्टेक्स. वोर्टेक्स मीन्स द फ्लूड इज रोटेशनल, दैट्स इट, ठीक है. सो अभी तक हमने जितने भी फ्लूड्स क्वेश्चंस किए उन सब में मीन्स बेसिकली जनरली इरोटेशनल फ्लो था, सो वहाँ पे वोर्टेक्स की बात नहीं हो रही थी. पर यह अभी क्या होना है इस चैप्टर में, फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट डेल क्रॉस क्यू वॉन्ट बी जीरो, सो देर विल बी ए वोर्टेक्स, ठीक है. सो अच्छा इसमें देखो, जैसे कि स्ट्रीम लाइन में हुआ करता था, वैसे मान लो दीज आर द पैरेलल कर्व्स, दीज आर द पैरेलल कर्व्स मीन्स दीज आर द वोर्टेक्स लाइन्स, ओके. अगर इनको इनको ज्वाइन करके एक इस टाइप से एक क्लोज कर्व बनाया जाए, तो
तो यहां से जो ये क्रॉस सेक्शन बनेगा इसको बोलते हैं वोर्टेक्स फिलामेंट। ओके, और ये जो ट्यूब बन गई, ये जो एक सिलेंड्रिकल टाइप ट्यूब बन गई, इसको बोलते हैं वोर्टेक्स ट्यूब। ओके, तो अगर वोर्टेक्स ट्यूब में जो इसका ये कर्व कर्व वाला पार्ट है, इस पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देट विल गिव डायरेक्शन ऑफ वोर्टेक्स लाइन, राइट। और ये है हमारे पास, दिस इज बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वोर्टेक्स ट्यूब, जिसको कि वोर्टेक्स फिलामेंट बोलते हैं। ओके, सो ये जो 8 वोर्टेक्स फिलामेंट, वोर्टेक्स फिलामेंट एरिया मल्टीप्लाई बाय वोर्टिसिटी विल बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ओके, आई होप ये समझ में आता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी इनफैक्ट। सो वोर्टिसिटी है, उसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी आएगी। वोर्टिसिटी मीन्स रोटेशन भी हो रहा है इस फ्लूड का, मूवमेंट के साथ साथ किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी हो रहा है। सो एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली इज वन, समटाइम्स दिस इज डिनोटेड बाय 1/2 डेल क्रॉस क्यू, और यू वी कैन से दिस इज हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ वोल्टेक्स वेक्टर, ठीक है। सो अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि एरिया इंटू वोर्टिसिटी कॉन्स्टेंट होता है, और वी कैन से दैट एरिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, एंगुलर वेलोसिटी वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। मान लो इसका एरिया जो है, मान लो ए है, तो ए टाइम्स जो यहाँ पे मान लो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दैट विल बी कॉन्स्टेंट। और अगर वोर्टिसिटी जो वेक्टर उसका मॉडुलस ये है, तो दैट विल ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। दिस कैन बी प्रूव्ड इजीली, ठीक है। कैसे, देखो मान लो ये, अगर मान लो ये जो भी फ्लूड फ्लो हो रहा है, इस टाइप से फ्लूड फ्लो है, वोर्टेक्स ट्यूब है, ठीक है। सो इसके कर्व पाथ के लॉन्ग फ्लूड फ्लो हो रहा होगा। मान लो ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये एरिया मान लो DS1 है, ये एरिया DS2 है, और ये जो कर्व्ड एरिया है वो मान लो DS है, ठीक है। सो टोटल एरिया की अगर बात की जाए यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया, इनफैक्ट सरफेस एरिया, तो वो क्या होगा, DS1 प्लस DS प्लस DS2। बेसिकली जो ये फिलामेंट वाला जो एरिया है वो प्लस जो कर्व्ड एरिया है वो DS है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर Q डॉट DR की जाए, इसको कैलकुलेट किया जाए, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सर्कुलेशन। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था आई थिंक, सर्कुलेशन इज नथिंग बट Q डॉट DR अलोंग अ क्लोज कर्व, ठीक है। तो इसको अगर देखो, इसमें अगर इसको अगर इसमें अगर डाइव क्यू डॉट डी आर, हाँ, इसको वी कैन राइट डेल क्रॉस क्यू डॉट एन कैप DS, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, सो दिस कैन बी रिटन बाय दिस, ये तो थ्योरम है। दिस विल रीड इन वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस दैट एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन अलोंग ए क्लोज कर्व कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सरफेस इंटीग्रल और कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप DS, वेयर बेसिकली मान लो ये जो है ये क्लोज कर्व सी है, तो ये जो सरफेस एरिया इनक्लोज कर रहा है यहाँ पे, वो सरफेस एरिया है, ठीक है। एंड एन कैप इज ऑब्वियसली ऑफ कोर्स द नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे इफ वी आर बेसिकली रोमिंग ऑन दिस कर्व एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आउटवर्ड एन लेंगे, ठीक है। और DS ऑफ कोर्स इज द एरिया ही है। सो ये तो वेल नोन थ्योरम है, वेक्टर एनालिसिस में डिस्कस दिस। सो इसको वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, फर्दर दिस इज सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पे ये कौन से एरिया है, DS प्लस DS1 प्लस DS2, ठीक है। तो अब देखो, अच्छा फर्दर ये जो पार्ट है, इसको अगर हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें, इसको मान लो एफ वेक्टर बोल दिया, मान लो इस पूरे को, तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस एफ वेक्टर डेल क्रॉस क्यू DV, ओवरऑल द वॉल्यूम V जो इसमें इंक्लोज होगा, ऐसा लिख सकते हैं। बट वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ क्यू वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, सो दिस पार्ट इज जीरो। फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट DS प्लस DS1 प्लस DS2, ठीक है। और ये डेल क्रॉस क्यू को वी आर डिनोटिंग बाय दिस डॉट एन कैप DS इज जीरो, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है नाउ। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको फर्दर
व्हाट वी कैन डू इन दिस केस, इसको चलो ds1 प्लस ds2 प्लस ds ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज एन कैप ds, और डायरेक्ट ds वेक्टर लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। दिस इज दिस कैन बी रिटन दिस वे, ठीक है। अब देखो, अब जो कर्व्ड सरफेस है हमारा, कर्व्ड पार्ट है ये जो है, बेसिकली वोर्टेक्स ट्यूब है, सो कर्व पार्ट पे जो टेंजेंट होगी, ओके, यहाँ पे जो भी टेंजेंट होगी, बेसिकली dr जो होगी वो किसके पैरेलल होगी, दैट विल बी पैरेलल टू द वोर्टिसिटी वेक्टर बाय द डेफिनेशन ऑफ वोर्टेक्स, वोर्टिसिटी वी कैन से दिस, ठीक है। तो और देखो, यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो तो इसके परपेंडिकुलर होगा ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब एन केप डॉट डेल क्रॉस क्यू जो होगा वो जीरो होगा कर्व्ड कर्व्ड सरफेस पे। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है इसको देखा जाए तो ये क्या है, डेल क्रॉस क्यू डॉट एन केप डी एस, यही तो है ये, ठीक है, ओवर द कर्व्ड सरफेस, बट दिस दिस पार्ट इज जीरो फॉर द कर्व्ड सरफेस पार्ट, सो दिस इज जीरो, दैट मेक्स दिस टर्म जीरो। फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट दिस डी एस डी एस वन इज इक्वल टू माइनस दिस वोर्टिसिटी वैक्टर डॉट डी एस एट डी एस टू, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वॉट वी कैन से, और इसको अगर सिंपली अप्रोक्सीमेट कर दिया जाए तो दिस कैन बी रिटन एज डेल एस वन इक्वल टू डेल एस टू और माइनस, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से जितना भी देखो, यहाँ पे जो इसका मल्टीप्लीकेशन है डेल एस वन इसका एरिया है, ऐसे यहाँ पे जो है यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू होगी इंटू डेल एस टू जो करेंगे, बेसिकली दिस इज वैल्यू इन एस टू, इसको टू बोल देते हैं, चलो इसको वन बोल देते हैं, ठीक है। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे वही यहाँ पे, सो दिस फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से वोर्टिसिटी इंटू जो एरिया है वो कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट, ठीक है। दिस इज वैलिड व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, मीन्स फोर्सेज आर ऑफ दिस टाइप, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर वी एंड प्रेशर इज फंक्शन ऑफ डेंसिटी ओनली, सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ डेंसिटी ओनली, ओके। सो आई होप समझ में आता है। सो हमारे लिए काम की चीज़ ये है कि जो भी फिलामेंट होगा, फिलामेंट मीन्स जहाँ से एंट्री और एग्जिट है, ये वाले पार्ट कवर्ड पार्ट तो वैसे भी जीरो हो गया, वहाँ पे जो वोर्टिसिटी और एरिया जो होगा उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, आई होप समझ में आता है। तो इससे ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी वोर्टेक्स जो लाइन है ना वो वोर्टेक्स ट्यूब में बीच में कहीं एंड नहीं हो सकती, अगर ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो ये एग्जिट पे ही एंड होनी है, बिकॉज ये इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। सो आई होप समझ में आता है। सो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस, ओके। द फ्लूड मोशन इज पॉसिबल इफ इट सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इस टाइप इक्वेशन तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ टाइम्स, राइट। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी इसके लिए, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई, और डब्ल्यू तो जीरो है, सो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो ये होनी चाहिए, अगर ये इक्वल टू जीरो आता है देन वी आर डन इनफैक्ट, सो डेल यू ओवर डेल एक्स दिस शुड बी जीरो, राइट, ये आना चाहिए। सो नाउ डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, डेल यू ओवर डेल एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ा जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया जाए, ओके, दिस इज प्लस, राइट, देन माइनस थ्री एक्स माइनस फोर वाई को ऐसे ही छोड़ा जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिनोमिनेटर का टू एक्स, ठीक है। सिमिलरली अब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थ्री माइनस थ्री वाई प्लस फोर एक्स इंटू टू वाई, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई किया जा रहा है। अब ये देखना है कि ये जीरो आना चाहिए, ठीक है। सो थ्री प्लस दिस इज सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स वाई माइनस एट एक्स वाई, राइट, माइनस सिक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। सो दिस इज द सिक्स टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, द सेम थिंग इज माइनस हियर एट एक्स वाई, सो दिस इज जीरो, हेंस द मोशन इज पॉसिबल,
the motion is possible. Now we are asked to find the vortex lines. Okay, the fluid flow is irrotational or rotational. ठीक है, irrotational or rotational. If fluid flow is irrotational, then we can say directly that there won't be any vortex lines, because for vortex to exist, it should be rotational. Vortex का मीनिंग ही वही है, ठीक है. सो बेसिकली हमारे पास U क्या है, U एंड V आर 3 minus 4 एंड V इज 3y plus 4h divided by x square plus y square and w is 0 in fact. ठीक है. So okay, let consider basically q dot dr. okay, q dot dr means u dx plus v dy. If we consider this plus w dz and if this comes out to be exact, तब तो वी कैन से कि जो ये क्यू वेक्टर है दैट विल बी ऑफ दिस फॉर्म माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई, और फ्रॉम दैट वी कैन से दैट क्योंकि पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, वेलोसिटी पोटेंशियल, सो फ्लूड फ्लो विल बी इरोटेशनल. ठीक है. सो इसमें अगर ये हम ट्राई करें, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, डेल क्रॉस क्यू निकालें, अगर दैट कम्स आउट टू बी जीरो देन विल से कि दिस इज एन इरोटेशनल फ्लो. ओके, तो किसी से भी कर सकते हैं. ठीक है, मान लो इस क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि फाइंड वेलोसिटी पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल. ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो हमारा ये काम भी हो जाएगा. ठीक है, सो यू डी एक्स क्या है, 3x minus 4y डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4x डी वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डब्ल्यू इज जीरो. ओके, इक्वल्स टू जीरो, लेट अस टेक दिस इक्वल्स टू जीरो. ओके, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट दिस इक्वेशन शुड बी एग्जैक्ट. ओके, सो अच्छा, इससे व्हाट वी कैन से 3x dx माइनस 4y dx प्लस 3y dy प्लस 4x dy डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो देखो इसको अगर क्लब किया जाए तो 3/2 d टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको क्लब करके, x dx इज एक्स स्क्वायर d एक्स स्क्वायर बाई टू. ठीक है, ऐसे यहाँ माइनस 4 कॉमन लिया जाए तो अंदर क्या रहेगा, y dx माइनस x dy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज जीरो. ठीक है, अगर देखो ओके, नाउ व्हाट वी कैन से 3/2 डी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, अगर इसको डी वाई बाई एक्स कर दिया जाए सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, सो दिस विल बी एक्स टाइम्स डी वाई. बेसिकली हम प्लस कर सकते हैं, एक्स टाइम्स डी वाई माइनस वाई टाइम्स डी एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. और इसको वी कैन राइट 3/2 डी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स डी ऑफ वाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर से अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया जाए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, और इसको वी कैन से दिस इज 3/2 या डी जो है इसको बाहर ले लिया जाए, 3/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा बोल सकते हैं इसको, दिस इज डी टी ओवर टी, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी, सो दिस इज एल एन टी, सो डी टाइम्स 3/2 एल एन टी ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 4 टाइम्स दिस इज डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज डी ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, और इस डी को ऐसे हमने थ्रू बाहर ले लिया है तो इस टाइप लिख सकते हैं. ठीक है, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से कि जो यू डी एक्स प्लस वी डी वाई है
इक्वल्स टू जीरो, दैट इज एन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट अ फाई सच दैट, ये जो टर्म है दिस कैन बी इक्वेटेड विद दिस फाई. सो फाई इज इक्वल टू, और दिस कैन बी रिटन एज डी फाई, राइट. सो फाई इज इक्वल टू 3/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स टेन इनवर्स y by x, so this will be the phi. Okay, so this is the velocity potential, and as velocity potential exists, as velocity potential exists, so q vector equals to minus gradient phi, hence it's a irrotational flow. I hope you समझ में आता है. If flow is irrotational, so no vortex in fact. ठीक है, अब इसमें सेकेंड पार्ट बोला है प्रेशर क्या होगा. सो बिकॉज द इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है, इरोटेशनल भी है, इरोटेशनल भी है. सो बाय बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम वी कैन से दैट पी बाय रो प्लस q square by 2 will be constant. ठीक है, और we can say p by rho plus q square by 2, q square by 2, तो that ये तो हम calculate कर सकते हैं. q square क्या आएगा, u square plus v square, because u and v की value में given है. So 1 by 2 q square is u square, 3x plus 4y का square plus 3y minus 4x का square divided by x square plus y square का whole square. दिस शुड बी सम कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो यहाँ से जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो हमारे पास प्रेशर का एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है, सो प्रेशर इज इक्वल टू माइनस 2 रो टाइम्स, ये जो भी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 3 स्क्वायर बेसिकली 9, सो दिस इज 16, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड दिस 24xy that will cancel each other divided by x square plus y square ka whole square plus some constant or isko what we can say minus 2 rho 25 and divided by x square plus y square plus some c. okay, so this 2 will be in the division. okay, divided by 2, so this is 25/2. okay, so let us do one more question. Show that necessary and sufficient condition for vortex line to be perpendicular to streamline is given by this. okay, so solution of first question, what we are आस्क की जो वोर्टेक्स लाइन है, मीन्स वोर्टेक्स लाइन की डायरेक्शन इज कर्ल ऑफ क्यू दैट इज परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइन, जिसकी की डायरेक्शन क्यू वेक्टर होती है. ओके, सो बेसिकली देखा जाए तो डेल क्रॉस क्यू डॉट क्यू इज इक्वल टू जीरो में गिवन है, एंड वी आर टू प्रूव की क्यू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ फाई. ओके, ओके, अच्छा ले कंसीडर क्यू वेक्टर डॉट डी आर इक्वल्स टू जीरो. ओके, लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन. सो दिस विल बी यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड इक्वल्स टू जीरो, राइट. अच्छा, हमें क्या बोला है कि यस वर्टेक्स लाइन इज परपेंडिकुलर टू, वर्टेक्स लाइन इज परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइन. ओके, सो लेट अस कॉल दिस वन. सो इक्वेशन वन इज इंटीग्रेबल इफ
क्यू वेक्टर डॉट टेल क्रॉस क्यू इक्वल टू 0, ये मैंने डिस्कस किया है कि इंटीग्रेबिलिटी ऑफ दिस इक्वेशन के लिए ये कंडीशन आती है, ये मैंने डिस्कस किया है जो मैकेनिक्स में लेग्रांजियन के लिए, लेग्रांजियन का जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, कंस्ट्रेंट इन मैकेनिकल सिस्टम, उसमें होलोनोमिक कंस्ट्रेंट कब होंगे, उसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि ये जो इक्वेशन है वो इंटीग्रेबल तभी होगी जब दिस कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हो, आई विल पिन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है एक इंटीग्रेबल होगी अगर क्यू वेक्टर डॉट डेल क्रॉस क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, बट ये तो हमें गिवन है कि दिस इज 0, बट क्यू वेक्टर डॉट डेल क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 0, सो इक्वेशन 1 इज इंटीग्रेबल। ठीक है, इंटीग्रेबल, दैट मीन्स ये जो है इसको अगर किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, मान लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है लेमडा है, अगर लेमडा से इसको मल्टीप्लाई किया जाए और हमें प्रूव क्या करना है, लेमडा लेमडा ही है ना इक्वल, यस। तो ये अगर इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए थ्रू आउट, तो लेमडा यू डी एक्स लेमडा वी डी वाई प्लस लेमडा डब्ल्यू डी जेड इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, विल बी एग्जैक्ट, सो विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाइड दिस बाय एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, सो दैट लेमडा विल मेक दिस इक्वेशन एग्जैक्ट। तो इससे व्हाट वी कैन से, अगर ये एग्जैक्ट है, इसका मतलब क्या हो गया कि दिस विल बी इक्वल्स टू सम, हमें प्रूव करना है क्यू वेक्टर इज लेमडा ग्रेडियंट फाइव, सो लेट अस से दिस इज सम डी फाइव, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है लेमडा यू आई के प्लस लेमडा वी जे के प्लस लेमडा डब्ल्यू के डॉट डी आर इक्वल्स टू 0, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब जो ये इन ये जो फैक्टर है, दिस दिस इज नथिंग बट लेमडा क्यू वेक्टर एक्चुअली। ओके, दिस विल बी इक्वल टू माइनस सम स्केलर फंक्शन की ग्रेडियंट, बिकॉज इसको एग्जैक्ट होने के लिए इसको ऐसा होना पड़ेगा ना, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर, इसका क्या मतलब हो गया, डेल फाई डेल आर आई के डॉट डी एक्स आई से होगा, तो ये हो जाएगा डेल फाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई डी वाई डेल फाई डेल जेड डी जेड, सो दैट इज माइनस है, सो दिस इज बी माइनस डी फाई, और एग्जैक्ट होने के लिए यही कंडीशन है, माइनस डी फाई बोल देते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट क्यू वेक्टर विल बी 1 लेमडा माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाइव, और इसको लेमडा डेस बोल सकते हैं जो भी हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसको 1 by लेमडा डेस को इफ से लेमडा, तो माइनस लेमडा ग्रेडियंट ऑफ फाइव ये हो जाएगा, वेयर लेमडा इज सम स्केलर। ठीक है, सो हैंस प्रूफ ये हो गया, तो ये हो गई इससे। अगर अच्छा इसमें पूछा इफ कंडीशन पूछी है इसमें, ठीक है, तो अगर इससे अगर इसको अपोजिट फॉलो करेंगे हम, अगर ये इफ दिस इज दिस देन वी कैन से कि दिस इज दिस, ओके फ्रॉम दैट वी कम टू दिस। ठीक है, और यहाँ से वी कैन से कि ये जो कंडीशन है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है बेसिकली यू डी एक्स प्लस ये यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड 0 इक्वल टू 0 शुड बी इंटीग्रेबल, दैट मीन्स दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, दैट मीन्स क्यू वेक्टर एंड डेल क्रॉस क्यू शुड बी परपेंडिकुलर, और दैट मीन्स स्ट्रीम लाइन एंड वर्टेक्स लाइन शुड बी परपेंडिकुलर। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, सो मोर ऑफ ए वेक्टर एनालिसिस कॉन्सेप्ट इनफैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड इज इफ क्यू डॉट डी आर इज डी एल्फा प्लस लेमडा डी पी, ओके वेयर एल्फा लेमडा एंड पी आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स लाइन्स। ओके, सो वॉट वी आर गिवन दैट क्यू डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डी एल्फा प्लस लेमडा टाइम्स डी पी, राइट, डी एल्फा प्लस लेमडा टाइम्स डी पी। ओके, दिस इक्वेशन इज गिवन एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड वर्टेक्स लाइंस,
ओके व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ वोर्टेक्स लाइन. अच्छा फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, अच्छा डी एल्फा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, बिकॉज एल्फा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, सो दिस कैन बी रिटन एज डेल एल्फा और डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एल्फा डेल वाई डी वाई प्लस डेल एल्फा डेल जेड डी जेड प्लस डेल एल्फा और डेल टी प्लस लैम्डा टाइम्स पी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, सो दैट कैन बी रिटन एज डेल डेल पी ओ डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी ओ डेल वाई डी वाई प्लस डेल पी ओवर डेल जेड डी जेड प्लस डेल पी ओवर डेल टी. ओके दीज आर द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि ये फ्लूड की बैकबोन है. इनफैक्ट ये तो मीन्स इसके बिना फ्लूड में काम चलेगा ही नहीं. ठीक है सो देखो अब क्या कर सकते हैं हम, व्हाट वी कैन डू नाउ. ओके इसको इसको तो चलो ऐसे रहने दो क्यू डॉट टी आर. ओके अब देखो ये जो है इसको वी कैन राइट ग्रेडियंट ऑफ एल्फा डॉट डी आर. ठीक है ये सेम ही चीज़ हुई प्लस लेमडा टाइम. सिमिलरली इसको वी कैन राइट यहाँ से यहाँ तक ग्रेडियंट ऑफ पी डॉट डी आर राइट प्लस डेल एल्फा ओवर डेल टी प्लस लेमडा टाइम्स डेल पी ओवर डेल टी. ओके आई होप यहाँ तक क्लियर है. ठीक है अब देखो क्या कर सकते हैं क्यू वेक्टर जो डॉट डी आर है उस वाले टर्म को क्लब किया जाए क्यू वेक्टर माइनस ग्रेडियंट ऑफ एल्फा माइनस एल्फा ग्रेडियंट ऑफ पी डॉट डी आर. ओके इक्वल्स टू डेल एल्फा और डेल टी प्लस लेमडा डेल पी और डेल टी. ओके और इसको अगर देख व्हाट वी कैन डू इसमें जो आर बिकॉज यहाँ पे देखो ओके देर विल बी डी टी एज वेल राइट एंड डी टी तो होगा इंटू डी टी राइट. यहाँ पे जैसे डेल एल्फा और डेल जेड डीजे डेल एल्फा और डेल टी डी टी ऐसा रहेगा. ठीक है सो अब देखो बिकॉज एज एक्स वाई जेड एंड टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल सो कोएफिशिएंट जो होगा इनके बिकॉज देखा जाए तो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इनफैक्ट. ठीक है दे आर इंडिपेंडेंट सो उनके कोएफिशिएंट को जीरो होना पड़ेगा. मीन्स क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ एल्फा प्लस लेमडा ग्रेडियंट ऑफ पी एंड डेल एल्फा और डेल टी प्लस लेमडा डेल पी और डेल टी इक्वल्स टू जीरो. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी. अच्छा अब हमें चाहिए वोर्टेक्स लाइन. वोर्टेक्स लाइन सो वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ वोर्टेक्स लाइन. डायरेक्शन ऑफ वोर्टेक्स लाइन इज कर्ल ऑफ क्यू और कर्ल ऑफ क्यू मतलब ग्रेडियंट ऑफ एल्फा प्लस लेमडा ग्रेडियंट ऑफ पी ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है और इसको वॉट वी कैन से देखो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर स्केलर obviously gradient will be of a scalar that will be always zero. ठीक है so this del cross ऐसे लिख देते हैं del alpha plus curl of lambda gradient p this part is zero by the vector analysis property और इसको we can open we know that curl of some scalar function into a vector is given by gradient lambda cross a vector plus lambda bar curl of a vector. Okay, this concept, ठीक है it's very useful for vector analysis. ठीक है तो अगर इसको यहाँ apply किया जाए तो यहाँ पे देखो lambda की जगह तो lambda ही है तो gradient of lambda cross a vector की जगह gradient of p है plus lambda की जगह तो lambda ही है और दिस कर्ल ऑफ ए ए वेक्टर की जगह क्या ग्रेडियंट ऑफ पी है. ओके सो दिस पार्ट इज अगेन जीरो बिकॉज अगेन दिस इज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट सो कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट इज जीरो. कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट इज ऑफ एन स्केलर व्हाटएवर विल बी जीरो. ठीक है सो व्हाट वी हैव बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ पी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वोर्टेक्स लाइन. ओके इसका मतलब क्या हो गया. ओके बट लैम्डा इक्वल्स टू
और वी कैन से ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा इज नॉर्मल टू 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 सरफेस और कर्व सरफेस लैम्डा इक्वल्स टू सी वन एंड ग्रेडियंट ऑफ पी इज परपेंडिकुलर टू सरफेस पी इक्वल्स टू सी टू। वी नो दैट कोई भी सरफेस है एफ इक्वल्स टू सी वन तो उसका जो नॉर्मल होता है वो ग्रेडियंट एफ होता है। तो इससे हम बोल सकते हैं ये ओके हैंस वोर्टेक्स लाइन और अब इन दोनों के मीन्स इन दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर मीन्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ओके हैंस वोर्टेक्स लाइन और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू सी वन एंड पी इक्वल्स टू सी टू। सो दिस इज द इक्वेशन आई होप ये समझ में आता हैंस ठीक है। सो इक्वेशन विल बी लैम्डा इक्वल्स टू सी वन एंड पी इक्वल्स टू सी टू वेयर सी वन सी टू आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ठीक है। सो इसको और टाइप से पूछा जा सकता है कि ऐसे प्रूव करवा लेगा कि इंटरसेक्शन वोर्टेक्स लाइन होगी एंड देर आर एन नंबर ऑफ वेज टू आस्क द सेम थिंग ओके। सो आई होप ये समझ में आता है ओके। सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस रेक्टिलिनियर वोर्टिसेस ठीक है। इस पे क्वेश्चन आए हैं ठीक है सिंपल है जैसे कि सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट है वैसा ही इसका रहेगा। सो दिस आई विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर बाय बाय।